आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हिमालय के शिखर से कन्याकुमारी समुद्र तट तक की दूरी तय करने के लिए बद्रीनाथ धाम के बामड़ी गांव के सुमेश पवार ने शुक्रवार को साइकिल से देश की प्रमुख धाम बद्रीनाथ से द्वारिका, जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम तक की साइकिल यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी वेद पुरोहितों धर्माचार्यों में स्थानीय लोगों ने युवा सुमेश पवार को स्वास्थ्य वाचन के साथ यात्रा की शुभकामनाएं देकर विदा किया। बता दें कि सुमेश पवार इससे पूर्व भी माला से कन्याकुमारी 4035 किलोमीटर और पंचबद्री 280 किलोमीटर, सतोपंच सरोवर 52 किलोमीटर की साहसिक यात्रा साइकिल से पूरी करने का कारनामा कर चुके हैं। सुमेश पवार ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा देश को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म के साथ एक सूत्र में जोड़ने सहित स्वच्छ हिमालय, फिटनेस और साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मोटिव रहेगा कि मेरा कि आप हिमालय में आइए और स्वच्छ रखिएगा, अपितु हिमालय ने अपने संपूर्ण भारत को स्वच्छ रखेगा और इस यात्रा को पूरे होने में 3 महीने का जो मैंने एक समय लिया है, हालांकि ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी हो सकता है। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ धाम से मथुरा वृंदावन होते हुए गुजरात, गुजरात से जगन्नाथपुरी, पुरी से रामेश्वरम और लास्ट में इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में किया जाएगा। यद्यपि सर्वप्रथम रावल जी और धर्माधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से मुझे हरी झंडी दिखाई गई इस यात्रा के सफल होने के लिए। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, और भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से यह यात्रा सफल रहे, ऐसी भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना है। और सतोपन सरोवर का जल मैं संपूर्ण भारत में ले जाकर इस जल को समुद्र में प्रवाहन करूँगा और स्वच्छता का एक प्रमाण दूंगा कि आप भी अपने नदियों को स्वच्छ रखिए और साक्षात सतोपन जैसे जल, जो कि इतना स्वच्छ जल है, तो उस जल को मैं कन्याकुमारी के समुद्र में ले जाऊंगा। जय बद्री विशाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।